हाय गुड मॉर्निंग, क्या हाल चाल है भाई। CSIR नेट दिसंबर 2023 सॉल्यूशन का पार्ट टू कर रहे हैं। इवनिंग शिफ्ट का पेपर है, लाइफ साइंस की बात कर रहे हैं और बात कर रहे हैं हम लोग एक एटीट्यूड की। क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए एटीट्यूड सबसे इंपॉर्टेंट है। डर करके सॉल्व कर लो या लड़ करके सॉल्व कर लो, और जो लड़ेंगे ना वही तो जीतेंगे। तो चलिए चेक करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 को। क्वेश्चन की आईडी है 703241। इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनल्स डज ग्लाइसिन डीकार्बोक्सिलेज कॉम्प्लेक्स एंड द सीरीन हाइड्रोक्सीमिथाइल ट्रांसफरेज कन्वर्ट टू मॉलिक्यूल ऑफ ग्लाइसिन इनटू वन मॉलिक्यूल ऑफ सीरीन ड्यूरिंग फोटोरेस्पिरेशन। ऑप्शन में इन्होंने हमें ऑर्गेनल्स के नाम दे रखे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, क्लोरोप्लास्ट, माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम। अब भाई सरसों के खेत तो सबने देखे हैं और बहुत सारी कहानियां भी हैं, बट मक्का के खेत देख करके आपको क्या याद आता है? क्या बारबरा मैक्लिंटॉक या फिर साथ में इवोल्यूशन भी? देखिए, हम लोगों ने यह भी समझा था कि जब प्लांट इवोल्व हुए थे तो इवोल्व होते हुए कुछ दिक्कतें सामने आई और उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए नया स्ट्रेटजी अपनाया गया। भाई C3 प्लांट भी तो आपको याद होंगे ना, जहां प्लांट अपनी फोटोसिंथेसिस कर करके CO2 को एब्जॉर्ब कर रहा है और कन्वर्ट कर रहा है शुगर के मॉलिक्यूल्स में, लेकिन इसी दौरान फोटो रेस्पिरेशन की वजह से वो लॉस भी कर रहा है, मतलब चोरी भी हो रही है वहां पे। सेम वैसे जैसे कि वोंका वाली कहानी में आपको याद होगा कि वो बेचारा वो दिन भर चॉकलेट बना रहा था और लिटिल ऑरेंज मैन आकर के उसकी चॉकलेट चुरा रहा था। Oh, I don't think I want to hear that. Too late. I've started dancing now. Once we've started, we can't stop, Jim. Oompa, loompa, dumpa-dee-doo. I've got a tragic tale for you. एक ऐसी ही स्टोरी हमें प्लांट्स में देखने को मिलती है जिसे हम लोग फोटो रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। इस स्टोरी में जो कार्बन फिक्स किया गया है कल्विन साइकिल के द्वारा, वही कार्बन लॉस हो जाता है फोटो रेस्पिरेशन के द्वारा, और इसमें ऑर्गेनल्स जो इन्वॉल्व है वो है माइटोकॉन्ड्रिया एंड पेरोक्सिसोम्स और साथ में क्लोरोप्लास्ट भी। चलिए बारीकी से देख लेते हैं कि कहां क्या रिएक्शन होती है। अब जब पूछा गया था हमसे पूछा गया था डीकार्बोक्सिलेज एंजाइम के बारे में, मिथाइल ट्रांसफरेज के बारे में, और हम बात कर रहे थे कि कैसे ग्लाइसिन सीरीन में कन्वर्ट हो रहा है CO2 छोड़ते हुए, और ये सारी कहानी या इसके एंजाइम्स ऑफ कोर्स कहां मिलेंगे? माइटोकॉन्ड्रिया में, जो कि इसका आंसर भी था। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही आंसर है माइटोकॉन्ड्रिया। चलिए अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। आईडी है 703235। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द डिफरेंट सेलुलर जंक्शन इज इनकरेक्ट, यानी कि सारे के सारे स्टेटमेंट ट्रू हैं किसी एक को छोड़ करके। पहला स्टेटमेंट दे रखा है गैप जंक्शंस आर चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस लिंक्ड द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स। दूसरा दिया हुआ है टाइट जंक्शंस डेस्मोसोम्स एंड गैप जंक्शन टुगेदर फॉर्म द जंक्शनल कॉम्प्लेक्स। थर्ड है हेमीडेस्मोसोम हेल्प इन एंकरिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स विद एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स, और फोर्थ है एडहेरेंट जंक्शन हेल्प इन कनेक्टिंग एक्टिन फिलामेंट्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स। भाई जब भी कभी सेल कम्युनिकेशन की या फिर सेल सेल इंटरेक्शन की बात करता हूं तो मैं तो रूम में जाता हूं, छुप करके नहीं, रूम को कोरिलेट करने के लिए। खिड़कियां, दरवाजे, दीवार, ये कुछ ऐसे ही हैं जैसे कि हम सेल सेल इंटरेक्शन में डिफरेंट मॉलिक्यूल्स को पढ़ते हैं। हम देखते हैं कि टाइट जंक्शन जहां पे सेल आपस में टाइट की जा रही है कि बीच में से कुछ निकल ना जाए, एडहेरेंट जंक्शन जहां एक सेल का एक्टिन फिलामेंट दूसरी सेल के एक्टिन फिलामेंट से इंटरेक्ट कर रहा है, मतलब दो सेल्स के फिलामेंट्स को आपस में कनेक्ट करने की कहानी है। डेस्मोसोम्स इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के लिए थे, कहानी बिल्कुल वैसी जैसे एडहेरेंट जंक्शन में थी। गैप जंक्शन के अंदर हम देखते हैं कम्युनिकेशन जिससे छोटे छोटे वाटर सोल्यूबल आयंस या मॉलिक्यूल्स एक सेल के साइटोप्लाज्म से दूसरी सेल में मूव कर सके। और रही बात हेमीडेस्मोसोम्स की, तो भाई ये बेसल लैमेला से इंटरेक्ट करने वाली स्टोरी थी जहां पर इंटरमीडिएट फिलामेंट्स इन अ सेल आर एंकर्ड टू द बेसल लैमिना। अभी जितने भी सारे इंटरेक्शन है ना, इन सबको मिलाकर के ही हम जंक्शनल कॉम्प्लेक्स कहते हैं। तो ये एक क्लोजअप मटेरियल भी देख लीजिए जहां हम देख रहे हैं कि बेसल लैमिना में पाया जाने वाला एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स ये इंटरेक्ट कर रहा है फिलामेंट के साथ में, और ये फिलामेंट्स हैं केराटिन जो कि इंटरमीडिएट फिलामेंट्स के सब टाइप हैं। हम बात कर रहे हैं हेमीडेस्मोसोम्स की। और रही बात एडहेरेंट जंक्शन की, तो भाई एक्टिन फिलामेंट्स इनडायरेक्टली एक सेल के लिंक कर रहे होते हैं दूसरी सेल से। तो अब आ जाते हैं वापस क्वेश्चन के ऊपर। हमसे कहा गया था ना कि इनमें से एक स्टेटमेंट फॉल्स है। तो देखिए पहला स्टेटमेंट है गैप जंक्शंस आर चैनल फॉर्मिंग जंक्शंस लिंक द साइटोप्लाज्म ऑफ एडजेसेंट सेल्स, ये है ट्रू। दूसरा है टाइट जंक्शन डेस्मोसोम्स गैप जंक्शंस टुगेदर फॉर्म द जंक्शन कॉम्प्लेक्स, ये भी है ट्रू। और थर्ड है हेमीडेस्मोसोम्स हेल्प इन एंकरिंग इंटरमीडिएट फिलामेंट्स विद एक्स्ट्रासेलुलर मैट्रिक्स, ये भी ट्रू है। और फिर लास्ट स्टेटमेंट आ गया एडहेरेंट जंक्शन हेल्प इन कनेक्टिंग एक्टिन फिलामेंट्स ऑफ द एडजेसेंट सेल्स, ये भी ट्रू है। तो फिर फॉल्स क्या हुआ? भाई फॉल्स हुआ ये क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में सारे के सारे आंसर ही करेक्ट दे रखे हैं,
तो फिर कहां से ढूंढोगे आप इनकरेक्ट? चले कोई बात नहीं भाई, बच्चों से गलती हो ही जाती है। अब बढ़ते हैं हम आगे। क्वेश्चन का नंबर है 20 और आईडी है 703269। यूजिंग एन एनालिटिकल अल्ट्रा सेंट्रीफ्यूगेशन सेडिमेंटेशन वेलोसिटी रन, अ रिसर्चर हैज कैलकुलेटेड द एस वैल्यू, जिसे हम स्वीटबैक यूनिट भी कहते हैं, ऑफ अ पार्ट ऑफ द फ्रेशली प्यूरिफाइड 12 क्लोराल्टन एंजाइम टू बी सिमिलर टू 1.83 corresponding to its monomeric state. However, during an identical run of the remaining protein after 2 days, the researcher find the S value increased to similar to 2.57. What would be the correct conclusion about the enzyme in question? भाई साहब, कभी आपने कोई बॉल पानी में डुबोने की कोशिश की है? आप जानते हैं कि जब भी आप उसे पानी में डुबोने की कोशिश करेंगे तो वो वापस आने की कोशिश करेगी। इंडीड, जब हम चीजें पानी में डुबोते हैं तो वो एस पर देयर डेंसिटी, एस पर देयर साइज, अलग अलग रेशो में या अलग अलग रफ्तार से डूबती हैं। और ये जो सेडिमेंटेशन कॉफिशेंट वाली कहानी थी, ये इसी तरह की एक स्टोरी है। अब एक छोटा मॉलिक्यूल को अगर आपको डुबोना है तो उसकी स्वीटबैक वैल्यू भी छोटी होगी। अब तुम्हें याद भी होगा छोटा राइबोसोम बड़ा राइबोसोम की यूनिट, तो स्मॉल वाले की यूनिट की अगर बात करूं और लार्ज वाले की यूनिट की बात करूं तो आपको याद होगा एक है 30S और एक है 50S बैक्टीरिया की बात करें तो, और अगर हम बात करें यूकेरियोट्स की तो एक है 40S और दूसरी है 60S। जब दोनों साथ में यूनिट जोड़ी होती हैं तो क्या ये मिलकर के 80S बन जाता है या फिर क्या ये मिलकर के 100S बन जाता है? आंसर तुम्हें पता है ना, ऐसा नहीं होता, क्योंकि चीजें इतनी भी सिंपल नहीं है। लेकिन फिर भी अगर मैं देखूं 1.83 से बढ़कर के 2.57 हो गया, जब प्रोटीन मोनोमरिक था तब तो 1.83 था, लेकिन कुछ हुआ ऐसा कि वो बढ़ करके वैल्यू मुझे 2.57 देखने को मिल रही है। एग्जैक्ट डबल तो नहीं है, डबल से थोड़ा कम है। अब देखते हैं कि ऐसा क्यों होगा। द एंजाइम इज एग्रीगेटेड एंड फॉर्म्स अ होमो ऑक्टामर। अब मान लीजिए कि एंजाइम ने ऑक्टामर बना लिए, मोनोमर का तो था 1.83, तो सवाल ये है कि 8 यूनिट जुड़ जाने के बाद क्या केवल वो डबल के आसपास ही पहुंचेगा। द एंजाइम इज मोनोमरिक बट इज नाउ एसोसिएटेड विद द बफर कंपोनेंट। बफर कंपोनेंट तो भाई बहुत छोटी छोटी चीजें होती हैं, उनसे इतना बड़ा डिफरेंस देखने को नहीं मिलता, तो ये स्टेटमेंट तो गया। द एंजाइम हैज अंडरगॉन मोनोमरिक टू अ होमोडाइमर ट्रांजिशन। अगर वो होमोडाइमर बन जाता है, मतलब डबल इन साइज, तो नियरली डबल के आसपास की वैल्यू जरूर बढ़ जाएगी। तो ये है वो आंसर जिसे हम ढूंढ रहे हैं। द एंजाइम हैज डिग्रेडेड ड्यू टू द ऑटोकैटालिटिक एक्टिविटी। अगर एंजाइम डिग्रेड हो जाता तो फिर हमें ये स्वीटबैक यूनिट मिलती ही क्यों? तो इसलिए जो करेक्ट आंसर है वो है 3, और 1 भी एक प्रोबेबल था, लेकिन ऑक्टामर होने की वजह से हम इस आंसर को पिक नहीं करेंगे। अब इस डाटा को भी चेक कर लो ना आप। देखिए, जब डाइमर है अगर सपोज, तो उसका 5.33 है, डबल हो जाने पर 8.34, डबल से थोड़ा नीचे। हेक्सामर हो जाने पर 11.61, यानी कि डबल की वैल्यू से भी बड़ा। तो हमें डबल से बड़ी तो वैल्यू नहीं मिल रही ना, हम तो ऑक्टामर की बात कर रहे हैं, वैसे भी 8 गुना ज्यादा बड़ी असेंबली। और इसलिए आंसर जो था वो डाइमर के पक्ष में चला गया, आंसर नंबर 3। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 22 की। आईडी है 703261। व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द मॉलिक्यूलर क्लॉक हाइपोथेसिस एज प्रपोज्ड बाय पॉलिंग 1962 इज करेक्ट। देखिए साहब, हम ये भी कह सकते हैं कि बहुत पुरानी कहानी है, किसे याद होगा, लेकिन वाटसन एंड क्रिक का दिया हुआ स्ट्रक्चर तो हम आज ही पढ़ रहे हैं ना। जो क्रेंडल और पॉलिंग ने 1962 में जो कहानी दी थी मॉलिक्यूलर क्लॉक के बारे में, आज भी वो एक फाउंडेशन स्टोन की तरह काम करता है। अब यहाँ जो ऑप्शन दिए गए हैं, ये है डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस इवॉल्व एट अ रिलेटिव कॉन्स्टेंट रेट। ऑप्शन नंबर 2 है डीएनए सीक्वेंस इवॉल्व एट अ रिलेटिवली स्लो रेट व्हेन कंपेयर टू द प्रोटीन्स। थर्ड है अमीनो एसिड सीक्वेंस इवॉल्व स्टोकास्टिकली। फोर्थ है प्रोटीन सीक्वेंस डू नॉट इवॉल्व इवन व्हेन डीएनए इवॉल्व एट अ कॉन्स्टेंट रेट। तो भाई स्टोरी सिंपल सी ये थी कि पॉलिंग साहब और उनके दोस्त ने ये एनालाइज किया कि जब उन्होंने प्रोटीन की सीक्वेंस को देखा अलग अलग ऑर्गेनिज्म में, जैसे कि चिंपांजीज में, ह्यूमन में, गोरिल्ला में, तो वहां उन्हें वेरिएशन देखने को मिला। फॉसिल रिकॉर्ड से जो पहले ही जान चुके थे कि ये इवॉल्व कब हुए होंगे, कब डाइवर्स हुए होंगे, और वो डाटा मैच कर रहा था। तो यहां से उन्होंने ये स्टेटमेंट दिया कि भाई ये जो इवोल्यूशन वाली कहानी है, बदलाव म्यूटेशंस, ये कांस्टेंट हो जाने वाली प्रोसेस है और लगातार लगभग सेम रेट से होती रहती है। अब चाहे प्रोटीन की बात करें, चाहे डीएनए की बात करें, तो इस क्वेश्चन के लिए बेस्ट आंसर है 1 कि डीएनए एंड प्रोटीन सीक्वेंस इवॉल्व एट अ रिलेटिवली कांस्टेंट रेट। अब थोड़ा सा बचपन में लौट जाते हैं। बचपन में जब हमने गणित को पढ़ना शुरू किया, मैथ को भाई, तो हमने सिंपल कैलकुलेशन की थी, 2+2=4 होता है। हमारे पास कई तरह के इंस्ट्रूमेंट भी थे। फिर जब हम बचपन में आए बायोलॉजी के, तब हमने डीएनए में भी कैलकुलेशन देखी 4 गोफ रूल के द्वारा, A=T, G=C। लेकिन कंडीशन ये भी तो थी, ये केवल डबल स्टैंडर्ड डीएनए पर ही लागू होता है कि भाई जितने एडेनिन मिलेंगे उतने ही थायमिन पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 27, आईडी है 703221।
ये कुछ ऐसी ही हमारी बचपन वाली बच्चों की कहानी पटकावा क्वेश्चन था, बहुत सिंपल हलवा क्वेश्चन। द बेस कंपोजिशन ऑफ द जीनोम ऑफ अ न्यूली आइडेंटिफाइड वायरस इज गिवन बिलो। वायरस के जीनोम की बात कर रहे हैं, एडेनिन है 25%, साइटोसिन है 35%, ग्वानिन है 30% और थायमिडिन है 10%। हम जानते हैं कि ए इज इक्वल टू टी होना चाहिए डबल स्टैंडर्ड डीएनए में, लेकिन ए है 25% और टी है 10%, तो चारगोफ रूल तो अप्लाई नहीं करने वाला ना भाई। चारगोफ रूल अप्लाई नहीं कर रहा तो हमें इससे आइडिया मिल रहा है कि मॉलिक्यूल जो है वो डबल स्टैंडर्ड नहीं है, यानी कि ये मॉलिक्यूल है तो सिंगल स्टैंडर्ड। अब ये सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए है या आरएनए? देखिए आरएनए में थायमिन थोड़ी मिलेगा, मिलेगा भी जो कोई इक्का दुक्का, ज्यादा मिलेंगे वहां यूरेसिल, तो यूरेसिल तो यहां दे नहीं रखा, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या बचा, सिंगल स्टैंडर्ड डीएनए जो कि इस वायरस का जीनोम होगा। सो मैंने पहले ही कहा था ना कि एटीट्यूड बड़ा इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन सॉल्व करते हुए, या तो डर लो या लड़ लो, और जो लड़ेगा वो जीतेगा भी। आने वाले CSIR नेट के एग्जाम की प्रिपरेशन हम लोग शुरू कर चुके हैं। इस कोर्स में रजिस्टर करने के लिए मुझे व्हाट्सएप कीजिए 9013902981। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में बहुत जल्दी। बाय बाय।